टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल देवांशी के वरदान यानी टीवी स्टार मुदित नारायण, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया रिवील सीरियल में आए एक साल के लीप के बाद वाले लुक के बारे में और बताया कि कैसे अब वो बन गए हैं सेवक मंदिर में। इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं कैरेक्टर्स का, एक साल का टाइम निकल गया, थोड़ा लीप लिया है शो ने, तो इंट्रोडक्शन शॉट है, उसमें दिखा रहे हैं कि वरदान थोड़ा धार्मिक हो गया है और अपनी माँ के साथ जो उसकी दुश्मनी थी वो खत्म हो गई है, तो they're all together now. Zoom से बात करते हुए वरदान ने किया खुलासा कि कैसे वो लीप के बाद हो गए हैं एकदम चेंज और बन गए हैं माँ के भक्त। I think उसके पीछे एक बैक स्टोरी है, इस साल भर में कुछ एक ऐसा केस हुआ होगा, अभी तक हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं, बट वो ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसके वजह से ये अपनी माँ के प्रति काफ़ी प्यार उमड़ने लग गया है और वो दुश्मनी वगैरह सब खत्म हो गई है, तो अभी शूट करेंगे तो कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा बीच में। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मुदित ने किया रिवील कि कैसे अब उनके और मेनका के बीच बढ़ रही है नजदीकियां। उसके पीछे भी आई थिंक कुसुम सुंदरी ने उसको अपने बेटे को इंस्ट्रक्ट किया है कि मेनका को एक चांस दे लाइफ में और माँ ने बोला है, तो आई थिंक वही रीजन है कि वरदान इस टाइम मेनका के करीब है, आई थिंक वही रीजन है। Well, we hope कि आप टीवी स्टार मुदित नारायण यानी कि वरदान के इस खुलासे से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.